इधर मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की सीमा चौकी यानी कि जो वसूली के विरोध में ये ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त तक सीमा चौकियों पर अवैध वसूली बंद नहीं हुई तो 16 अगस्त से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खास बात यह है कि परिवहन मंत्री के साथ बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उसके बाद ये ऐलान किया। देखिए इंदौर से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सीमा पर बने परिवहन विभाग के चेक पोस्ट पर धड़ल्ले से अवैध वसूली हो रही है। द सूत्र इस संबंध में पहले भी खबरें दिखा चुका है। द सूत्र ने ये तफ्तीश तब की थी जब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल जुलाई अगस्त के महीने में ही मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को पत्र लिखकर चेक पोस्ट पर हो रही अवैध वसूली रोकने के लिए कहा था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 15 दिसंबर 2022 को अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि इन चौकियों को लेकर 3 महीने में समिति बनाकर फैसला लिया जाएगा, लेकिन मार्च 2023 में भी जब वसूली बंद नहीं हुई तो एक बार फिर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जून के महीने में अधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद 2 महीने का और भरोसा उन्हें दिया गया। कहा गया कि सीएम फैसला लेंगे। अभी इस पर कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए अब एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त तक चेक पोस्ट पर अवैध वसूली बंद नहीं हुई तो 16 अगस्त से बड़ा आंदोलन होगा। हमने अपनी एक चर्चा करने के बाद उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि 15 अगस्त तक अगर मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो बंद नहीं होती है तो परिवहन उद्योग अपना निर्णय लेगा, अपनी कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश में 10 लाख लोग ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हैं और सभी चेक पोस्ट पर हो रही अवैध वसूली से बेहद परेशान हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स के अनुमान के मुताबिक सेंधवा के पास बाल समुद्र चौकी से ही हर दिन 125 करोड़ रुपए की अवैध वसूली होती है। यहाँ एक ट्रक से 1500 रुपए वसूले जाते हैं। रोजाना करीब 8000 ट्रक गुजरते हैं। इस तरह साल भर में करीब 400 करोड़ रुपए एक चौकी से वसूले जा रहे हैं और वो भी अवैध तरीके से। और ऐसी ही वसूली एमपी यूपी, एमपी सीजी, एमपी राजस्थान, एमपी गुजरात और एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पर बनी चौकियों से भी हो रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने हजार करोड़ रुपयों की अवैध वसूली का खेल चल रहा है।